डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करंट अफेयर्स की। पिछले दो एपिसोड्स आए उसमें काफ़ी लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन हमें पता है कि ये लोग करंट अफेयर्स को लेके बहुत जागरूक हैं और रेगुलर करंट अफेयर्स को पढ़ते रहे हैं। लेकिन ये भी हमें पता चला है, अंदाज हमने लगा लिया कि जो हमारे रेगुलर जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कमेंट में खामोशी से हमें अंदाज मिल गया कि स्कोर्स उनके कम हुए, और कुछ लोगों ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमारे स्कोर्स कम हुए। देखिए, अगर आपके स्कोर्स कम हुए हैं तो आप चिंतित ना हो, आप वरीड ना हो, टाइम अभी है। आपके स्कोर्स इसलिए कम हुए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। इस चीज़ को आप ऑनेस्टली अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये मान लें कि ना आपने अखबार पढ़ा, ना मैगजीन पढ़ा, ना करंट अफेयर्स के किसी मैगजीन या गाइड को देखा, तो स्कोर्स आपके नेचुरली कम हुए या कम होंगे। लेकिन अब हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर के डिस्कशंस कर रहे हैं, मैगजीन्स देख रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण या किसी भी मंथली मैगजीन को हम लोग देख रहे हैं, उसमें अब आपके स्कोर्स बढ़ेंगे। हमने बाबते आपको मंथ वाइज ये बताया है। पिछले दो एपिसोड्स में हम लोगों ने जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया है। अगर आप पढ़ेंगे मैगजीन तो बिल्कुल आपको सारा जो प्रश्न है वो सामने आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो इस तरह से आपने पहले पढ़ा नहीं इसलिए उस पर प्रश्न नहीं बना, लेकिन अब बनेंगे प्रश्न। अब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में आप प्रश्न बनाएं तो आप जुलाई मंथ के मैगजीन को पढ़ लें, प्रश्न आपके बनने लगेंगे। अब आप जब पढ़ेंगे तो प्रश्न का पैटर्न आपको पता है किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से प्रश्न आप बनेंगे। अभी भी वन मंथ प्लस 47 डेज अभी भी बचे हुए हैं करंट अफेयर्स, इसी में लास्ट मोमेंट में ही किए जाते हैं। कौन साल भर पढ़ता है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रेगुलर स्टडीज़ करते हैं और करंट अफेयर्स में विशेषकर अपनी दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इसको लेकर बिल्कुल वरीड ना हो कि स्कोर्स आपके बहुत कम हुए। नेचुरली आपने पढ़ा नहीं इसलिए स्कोर्स कम हुए, अब आप पढ़ लें स्कोर्स बढ़ेंगे। जुलाई मंथ के मैगजीन्स को आप देख लें, अगर संभव हो तो कोई भी मैगजीन आप देख सकते हैं, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इकोनॉमी और नवीनतम ये सेक्शन आप देख लें तो करंट अफेयर्स के स्कोर्स आपके बढ़ेंगे निश्चित रूप से। चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। जो बात है उसमें काफ़ी लोगों ने वो नया वाला एनसीईआरटी जो है जो चार सेक्शंस में आते हैं वो ले लिया है, ये सही है, आपने ले लिया है, ये आपके काम आएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग करेंगे एनसीईआरटी वो दरअसल पुराने पैटर्न पे एक एक बुक ही 11 ट्वेल्थ में चलती थी पहले, तो वो हम लोग करेंगे तो पेजेस आपके नहीं मिलेंगे तो आपको समस्याएं होंगी। नए वाले में भी कंटेंट वही है लेकिन हम लोग चूंकि पेज वाइज करेंगे तो कहीं अगर पेजेस आपके नहीं मिले तो आप वरीड होंगे, तो इसलिए हमने आपको बिल्कुल उसका फेस दिखा दिया था बुक का। 12th मॉडर्न 12th का है और 11th के एंशियंट थी, ये हमें करना था, एनसीईआरटी आपको लेना था। हालांकि अब मार्केट में आसानी से ये मिल भी नहीं रहा है, फोटोकॉपी मिल रहा है। जिन्होंने ले लिया ठीक है, नहीं लिया है छोड़ दें, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आने लगेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए था, कैसे पढ़ना चाहिए था। हालांकि ये सेक्शन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, 30th से 30 तारीख से हम लोग इसे करेंगे। चलिए अब आज के 10 टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए रामबाण हैं, अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लाभ आपको मल्टीफोल्ड मिलेंगे। आइए आज के 10 जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं क्या है। देखिए आज का पहला टॉपिक जो हमने लिया है ये एक्सटेंड किया है फर्दर, बाबर के बाद हम लोग हुमायूं और शेरशाह करेंगे। अब हुमायूं में देखिए कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इसके 1539-1540 के दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। लौट के जब वो आया वो तो चला गया था पराजित होकर शेरशाह से, लेकिन लौट के जब आया तो फिर उसने कौन सा युद्ध किया और किस तरह से उसने गद्दी प्राप्त की, बहुत शॉर्ट एक पेज में क्राउन में लुसेंट में एक एक पेज में दिया हुआ है, और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद शेरशाह इंपॉर्टेंट है हमें, शेरशाह के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ना है। उसने प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए, सिक्के के सुधार किए, सड़कों का सुधार किया, विभागों की स्थापना की। अब देखिए रुपया जो आज हम देखते हैं वो दरअसल शेरशाह के समय में दिखाई देता है, जो रुपया है वो चांदी का सिक्का होता था, तो ये कितने ग्रेन का होता था, इसका वजन आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। इसने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया इसे वो अपनी जीवनी में क्या कहता है, ये आपको समझना है। तो इस तरह से आप शेरशाह भी करें, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके सेना के प्रमुख को क्या कहते थे, ये सब आपको करना है, तो इसे आप कर लें। दूसरा सेक्शन देखिए हमने लिया मॉडर्न से, स्वायत्त राज, ऑटोनोमस जो स्टेट्स थे मुगलों से स्वतंत्र होकर जो उस समय राज्य बहुत सारे स्थापित हुए, इसमें आप मराठा करेंगे शिवाजी को छोड़कर,
शिवाजी एक टॉपिक बचा हुआ है तो हम लोग करेंगे, एक पूरा टॉपिक करेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक ही ये हो जाए, ये हम लोग करेंगे। तो आप इस पर ध्यान रखें, शिवाजी को छोड़कर मराठा हमें करना है, मराठा पेशवा करना है, पेशवा में जो तीन पेशवा हुए वो हमें करना है, ये आप करेंगे। उसके बाद करेंगे मैसूर यानी टीपू सुल्तान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टीपू सुल्तान ने कुछ युद्ध किए, वो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें करना है। तीसरा हमें करना है सिख राज रंजीत सिंह का, वो करना है, और बंगाल में नवाबी जो बंगाल की थी, ये चार सेक्शंस करेंगे। ये हमने स्वायत्त राज यानी ऑटोनोमस स्टेट में ये हमने नेक्स्ट टॉपिक रखा है। नेक्स्ट आइए ज्योग्राफी में, नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, दो हम लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों करेंगे। देखिए अंटार्कटिका पर भारत ने अपना रिसर्च स्टेशन स्थापित किया है, दक्षिण गंगोत्री कई बार एग्जाम में आ चुका है। दो और रिसर्च स्टेशन स्थापित हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है, आप उनके नाम बताएंगे। अंटार्कटिका पर तीन रिसर्च स्टेशंस भारत के हैं, दक्षिण गंगोत्री पहला था, दो और नाम आप उसमें खोजेंगे। उसके बाद दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका पूरा मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, पूरा चिली है, उरुग्वे, पराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब बड़े महत्वपूर्ण देश हैं और ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं। साथ ही एंडीज पर्वतमाला आपको दिखाई देगी, तो सर्वोच्च शिखर, नदियाँ, ये सब हमें डिटेल्स में जाना है, अमेज़ॉन मिलेगा आपको, तो इसे आप करें। नेक्स्ट इसमें हमने ज्योग्राफी में जो लिया है वो है सस्टेन किया हमने खनिज को, मिनरल को, मिनरल हम लोगों ने कल लिया था, हमने कल ही कह दिया था कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज तीन सेक्शंस में करने हैं, तो इसे हमने आज सस्टेन किया है। आप इसमें पढ़ने का प्रयास करें कि कोयला कहाँ सर्वाधिक मिलता है, कोयला का खान, सबसे मोटा परत का खान कहाँ मिलता है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये सब डिटेल्स आपको खनिज में, मिनरल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक क्वेश्चन डेफिनेट है इस सेक्शन से, आप मान के चले एक क्वेश्चन इस खनिज से, मिनरल से आएगा ही आएगा, आपको दिखेगा, आप आज नोट कर लें इस हमारे शब्द को। नेक्स्ट आइए हम लोग कर रहे हैं लाइट कर रहे हैं साइंस में, प्रकाश फिजिक्स में प्रकाश लाइट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से पढ़ें। लाइट में पूरा प्रकाश जो है उसमें पूरा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब करेंगे। मिरर लेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही ये सारे सेक्शंस आप पढ़ेंगे कहाँ पर जो मीडियम का डिफरेंस आने पर किस तरह से लाइट का जो स्पीड है वो डिफर करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हवा से पानी में लाइट जा रहा हो, ये सब समझेंगे। साथ ही प्रिज्म से अलग अलग जो कलर के हैं लाइट के, सातों कलर, ऑल द सेवंस, ये समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से किसका वेवलेंथ क्या डिफरेंस आता है, कौन कहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करता है, ये सब लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आज एकदम स्टार्ट, बायोलॉजी का पहला पेज जब आप खोलेंगे तो एक परिचय, इंट्रोडक्शन मिलेगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन के फादर कौन कहलाते हैं, ये सब इसमें आप बायोलॉजी में एकदम पहला पेज, एक पेज का मात्र सिर्फ ये टॉपिक है, इसे आप करेंगे। उसके बाद देखिए पॉलिटी में, पॉलिटी में हम लोग ले रहे हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किस तरह से, तीन तरह से अमेंडमेंट्स होते हैं संविधान में, एक सिंपल मेजोरिटी, एक विशेष जो बहुमत है यानी स्पेशल मेजोरिटी से, प्लस स्पेशल मेजोरिटी के साथ यानी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का भी, उनकी विधानसभाओं से भी जब अप्रूवल मिलता है तो कुछ ऐसे संशोधन हैं जो होते हैं। ये कौन से हैं पूछ देगा, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन किस रूप में होता है, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से होगा, विशेष या विशेष के साथ राज्यों का किस सहमति से होगा, इस तरह के संविधान संशोधन। पहला संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट था, 1951 में हुआ, ये समझेंगे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था और कुछ भूमि सुधार से संबंधित थे, तो ये समझ पढ़ेंगे। 24वां बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद 52वां दल बदल से संबंधित, उसके बाद 42वां, 43वां, 44वां, 73वां पंचायती राज, तो ये सब संविधान संशोधन, और ये इस बात को अच्छे से समझेंगे आप बहुत अच्छे से कि साधारण बहुमत से किस तरह के विषय पर, सब्जेक्ट पर संशोधन किया जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण के लिए हमें जो संसद है उसमें क्या साधारण बहुमत चाहिए या विशेष बहुमत चाहिए, तो इससे आप समझेंगे। नेक्स्ट आइए गरीबी और बेरोजगारी को आज हमने रिपीट किया है,
ये गरीबी वाला सेक्शन तो थोड़ा सा हेजी हो जाता है, बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ डेटा वगैरह, लेकिन इसमें सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी को आप समझने का प्रयास करेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन कितना परसेंट है जो गरीबी रेखा के नीचे है भारत में, ये समझना है, और बेरोजगारी के प्रकार ये इंपॉर्टेंट हैं, इसे समझना है। भारत में कौन सा बेरोजगारी है, विदेश में कौन सा, विकसित देशों में कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब समझना है। उसके बाद नवा जो टॉपिक हमारा है वो भारत का परमाणु कार्यक्रम, ये जीके का जो टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग रेगुलर ले रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने कर लिया, स्पेस टेक्नोलॉजी कर लिया, और आप तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत का है, किस तरह से परमाणु कार्यक्रम है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, इसका कोड वर्ड क्या था, कहाँ पे किया गया था, उसके दूसरा हमने परमाणु परीक्षण जो किया एटॉमिक टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट वो कहाँ किया, इसका कोड वर्ड क्या था, ये सब समझना है। और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम हमारा है उससे हमारा जो पहला एटॉमिक रिएक्टर है उसका नाम क्या था, अप्सरा, तो ये सब आप करेंगे डिटेल्स। आइए नेक्स्ट आइए, बिहार में, बिहार भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार हम लोग कर रहे हैं, हिस्ट्री काफ़ी मॉडर्न में हम लोगों ने कंप्लीट किया, ज्योग्राफी में आप करेंगे बिहार का ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है, स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस पर हमने दो वीडियोस बनाए हैं, हम उसके लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और लास्ट में याद रखें हर वीडियो के लास्ट में हम चार आपको इंड स्क्रीन देते हैं, उसे इंड स्क्रीन कहते हैं, जिस पे आप टच करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा। तो चार ऐसे लेटेस्ट ठीक पीछे की वीडियो ज़रूर हम डालते हैं जो एक दिन पहले आए, और साथ में कुछ पुराने पॉपुलर वीडियो जिसे आपको देखना चाहिए वो हम डालते हैं। तो चार ऐसे वीडियोस इंड स्क्रीन कहलाता है, लास्ट में वीडियो के वो चार आपका थंबनेल आ जाएगा, उसको आप टच करेंगे वीडियो खुल जाएगा। तो इसमें ठीक एक दिन पीछे वाला वीडियो और कुछ पॉपुलर वीडियोस होते हैं, साथ में हम इसी में इंड स्क्रीन में आपको इसका लिंक डाल देंगे, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक डाल देंगे, आप इसे जो ज्योग्राफी का दो हमारा वीडियोस है वो हम डाल देंगे, वो ज़रूर देखें, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किताब बुक से पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट या क्राउन से आप पढ़ लें, बहुत अच्छा दिया हुआ है, और इससे क्वेश्चन इसमें अगेन एक क्वेश्चन बन जाते हैं। और लास्ट में हमारा जून महीने का डेज करना है, आप इसे भी इग्नोर ना करें, 5-7 डेज इसमें निकल कर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ये तो लोकप्रिय है हर कोई बता देगा, लेकिन और भी इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आज के 10 टॉपिक्स यहीं तक रहेंगे, 30 तारीख से एनसीईआरटी आपका चलेगा, और उसमें भी आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, हमें लगता है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली ऐसा हमें लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी का ये सेक्शन कर लेते हैं अच्छे से समझ के, तो 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, जो आपका टोटल अभी आपका टैली है, जो भी आपका मार्क्स आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पर आज से आपसे इजाज़त लेंगे, और कुछ नए वीडियोस आपको बहुत जल्द उपलब्ध होगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, टेक केयर।